जो दूसरी रेसिपी है कीमा, हरा कीमा, जो हरी हरी मिर्च का जो कीमा है वो दिखाऊं कि मैंने आधा किलो जो है वो गोश्त का पीस यूज़ किया है। इसके साथ मैंने हड्डी रखी है। हड्डी जैसे कि डे फर्स्ट से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि खानों में जो है मैं हड्डी यूज़ करता हूँ। उसका रीज़न ये है कि हड्डी का जो है ना अपना एक फ्लेवर आता है, तो साफ़ सुथरा मैंने एक लीन मीट का पीस लिया है। इसकी सफाई इतनी नहीं करनी, उसका रीज़न ये है कि थोड़ा सा कीमे के अंदर जो है वो रवाज जो है वो अच्छा लगता है। अब हमारी चलते हैं इसके कूटने के लिए, कूटने की तरफ। थोड़ा सा पानी ले लेता हूँ मैं। मैं हड्डी यूज़ कर रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि हड्डी का जो चस होता है, जो स्टॉक होता है ना, वो कीमे का मज़ा और दुबला कर देता है। और संडे का दिन हो, बेहतरीन पराठे हों और उसके साथ जो है ये हरी मिर्च का कीमा हो, वाओ। हड्डी के मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे, दिखा सकता हूँ ये इस तरीके से मैंने जो मेरे साथ लेकर आया था मैं हड्डी। हड्डी जैसे ही आपका कीमा पकने की तरफ आ जाए तो हड्डियों को आप निकाल लेगा, क्योंकि जितना उसका काम था हड्डियों का वो उससे ले लिया गया, उसके बाद इसको हटा देंगे। अच्छा, इसके साथ मैं इसके अंदर एक दरमियानी साइज़ की प्याज डालूंगा, ऑप्शनल है, अगर चाहें तो डालें, नहीं चाहते तो ना डालें। इसके अंदर एक टेबलस्पून नमक ऐड किया है, उसके साथ मैंने इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है। थोड़ी सी देर बाद मैं इसके अंदर जो है वो ऑयल ऐड करूँगा। हरी मिर्चों की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा रखी है मैंने। ऑयल ऐड कर दिया इसके अंदर। अगर आपको फील हो कि इतने ज़्यादा मिर्चें इस्तेमाल होने से जो है वो इसके दाने जो है वो आएंगे मुंह में, और वो तो आप उसको करेगा कि इन सबको काटने के बाद इनके दाने जो है वो ज़ाया कर दें। हरी मिर्चें और हरा धनिया हड्डी के साथ चाहें तो सर्व कर लें, नहीं चाहें तो ना करें, वरना वैसे लोग हमारे घर में तो मोस्टली इसको करते हैं, लेकिन अभी जो है वो प्रेजेंटेशन के अंदर जो अच्छा नहीं लगेगा, तो जितना उसका काम था वो मैं उससे ले लूँगा। प्याज जो है वो ऑप्शनल है, अगर चाहें तो डालें, नहीं चाहते तो ना डालें। और हम जो हड्डियाँ थीं वो हड्डियाँ निकाल लेते हैं। क्योंकि हड्डियों का जितना काम था वो हो गया उनका। और अगर खाते हुए हड्डी के ऊपर ध्यान दे दिया जाए तो उससे होता ही है कि खाना पूरा स्पॉइल हो जाता है, और वो हड्डी को जो है वो चूसने में जो है सारा टाइम भूख जो होती है वो एक्चुअली ख़राब हो जाती है। हम जो है इसके अंदर ब्रेक का टाइम हो रहा है, इससे पहले जो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ ये ग्रीन चिली ऐड कर रहा हूँ और थोड़ा सा धनिया ऐड कर रहा हूँ, और ये हरी मिर्च का कीमा। इसको डिश आउट कर लेते हैं जी। हरी मिर्च कीमा, अच्छा बीफ बोनलेस 500 ग्राम, तेल 200 ग्राम, पानी 1 लीटर, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, हरी मिर्च 10 से 12 अदद, दरमियानी प्याज 1 अदद,